हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पहले हम चीजों को समझेंगे, डेफिनेशन और नोट्स इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन का नेचर वर्सेटाइल दो रीजन की वजह से होता है। फर्स्ट रीजन ये है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर डबल या ट्रिपल है दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा रीजन ये है कि कार्बन एक स्ट्रेट चेन बना सकता है, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है, एक लॉन्ग रिंग चेन बना सकता है, एक ब्रांच चेन बना सकता है और एक क्लोज चेन बना सकता है। यही दो रीजन है इसके वर्सेटाइल होने की। जैसे कि ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन हो गया, that is called straight chain। अब मैं एक बनाता हूं ब्रांच चेन, ये हो गया आपका ब्रांच चेन। रिंग चेन, ये हो गया आपका रिंग चेन। क्लोज चेन, ये हो गया आपका क्लोज चेन। तो यही दो रीजन है जिसके वजह से कार्बन जो है वर्सेटाइल होता है। कार्बन के दो स्पेशल फीचर हैं, एक है कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावेलेंसी, जिसके वो भी हेल्पफुल है आपको वर्सेटाइल को एक्सप्लेन करने के लिए। वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है फोर, वैलेंसी मतलब वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी फोर, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? फोर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर हो गए। तो कार्बन अपना ऑक्टेट फोर इलेक्ट्रॉन लूज करके या फोर गेन करके कंप्लीट नहीं कर सकता। तो क्या करता है? फोर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर किसके साथ करेगा? या तो किसी और कार्बन एटम के साथ या फिर मोनोवेलेंट एलिमेंट के एटम के साथ। मोनोवेलेंट एलिमेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी वन होती है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे मोनोवेलेंट element, element having one valence electron, जिसकी valence electron one होती है that is called monovalent element। तो या तो ये कार्बन के साथ शेयर करेगा या दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर मोनोवेलेंट एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसके साथ ये मिलकर के अपना ऑक्टेट पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, वैलेंसी फोर हो गई तो हो गया ऑक्टेट पूरा, इसका भी पूरा हो गया डुप्लेट और कार्बन का भी पूरा हो गया ऑक्टेट। क्लोरीन के साथ भी कर सकता है ये, ठीक है। ये थी उसकी टेट्रा वैलेंसी फीचर। अब आते हैं कैटेनेशन पे। कैटेनेशन, कैटेनेशन किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो खुद के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बनाता है, रिंग चेन बनाता है, क्लोज चेन बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, कार्बन एटम के साथ ही मिलकर के क्या बना रहा है? आपको स्ट्रेट चेन बना रहा है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही है। ब्रांच चेन भी बना सकता है, आप पहले भी देख चुके हैं, मैंने बताया आपको। क्लोज चेन भी बना सकता है। तो ये था आपका कैटेनेशन। कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेफिनेशन मैं आगे लिख दे रहा हूं। अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने यहां पे लिख दिया है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। कार्बन इज वर्सेटाइल बिकॉज इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट कैन ऑल्सो फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन्स एंड रिंग When connected to other atom। जैसे ये स्ट्रेट चेन है, ये आपका ब्रांच चेन हो गया, ये रिंग चेन है और ये क्लोज चेन है। नेक्स्ट है टेट्रावेलेंसी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन कंबाइनिंग विद अदर एलिमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने टेट्रावेलेंसी एक्सप्लेन कर रहा था। ये इसकी डेफिनेशन है। कैटेनेशन, इट इज द बाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन और रिंग और मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।